हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरके ऑर्गेनिक्स में। आज हम आपको बताएंगे कि बहेड़े का पेड़ कैसा होता है, बहेड़ा किस चीज़ में यूज़ होता है और बहेड़े के अंदर क्या होता है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। और हाँ, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सामने बहेड़े का पेड़ है। अब हम आपको दिखा देते हैं इसके ऊपर का पार्ट। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये बहेड़े के पत्ते हैं, और जो इस बहेड़ा है वो बहुत काफ़ी छोटे होते हैं। वो आपको कैमरे में दिख नहीं रहे होंगे। तो हम अब इस पेड़ से जो है बहेड़े का फल लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये बहेड़े का फल है। ये हम जो हमने अभी वीडियो में पेड़ दिखाया है उस पर से तोड़ कर लाए हैं। अब हम थोड़ी देर बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसमें से क्या निकलता है और ये किस किस बीमारी में काम आता है। ये त्रिफला बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें से कुछ इसके अंदर एक बीज टाइप का कुछ है। अब हम इसको जो है फोड़ कर देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। ये बहुत हार्ड है। ओ, ये कुछ ज़्यादा फूट गया है। जो इसके अंदर जो ये बीज निकलता है, ये तो ये जो है बहुत अभी हमारे पास अभी हम इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे पास कुछ वेपन नहीं है जिससे हम इसको अच्छी तरह 50 से ज़्यादा बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देता है। जो इसके अंदर से बीज निकलता है ये तो फूट गया, हम आपको दूसरा फोड़ कर दिखा देते हैं। और जो ये बाहर की जो इसकी बॉडी होती है बर्थडे की, इसका त्रिफला बनता है। हम दूसरा आपको फोड़ कर दिखा देते हैं। ये जो इसके अंदर से बीज निकलता है ये बिल्कुल बादाम की तरह है। अगर रोज आदमी दो बीज अगर इसके खा लेता है, अगर इनका सेवन कर लेता है, तो उसे वात पित्त की कोई भी बीमारी नहीं होगी। ये बहेड़ा ये काम करता है, आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का निकला है। और जो ये इसका जो पार्ट होता है, इसमें से इसका जो है इसे सुखाकर इसका त्रिफला बनता है। और दो चीज़ें और मिलाकर, आंवला और हरड़ मिलाकर जो है इसका त्रिफला बनता है, वो हम सेकंड पार्ट में बनाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का सेकंड पार्ट जल्द से जल्द हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप और इंटरेस्टिंग चीज़ों से जुड़ना चाहते हैं, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। उस पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से रिलेटेड और ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड अपलोड्स आती रहती हैं। धन्यवाद।